नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन कंपाउंड विद इन ईच सेट ऑफ द मिड्स इंडिकेटेड क्राइटेरिया। तो हमें एक कंपाउंड चूज करना है सेट में से जो कि इंडिकेटेड क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ए का आंसर है पी। ए क्या है? द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक QOH टू लिबरेट हैलाइड एंड आयन थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि अल्कोहलिक QOH के साथ रिएक्ट होने के बाद आपको हैलाइड को लिबरेट करता है एज आयन थ्रू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर है पी, आगे वाला जो दिया है वही। अगर हम इस कंपाउंड को इसके साथ रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक QOH के साथ तो आपको क्या होगा, लिबरेट करेगा वो हैलाइड को, और लिबरेट करने के बाद जो आयन्स होंगे उसका सी हैलाइड आयन थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अगेन द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ईथर की सॉरी विलियमसन ईथर सिंथेसिस के साथ हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और जो कि प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, बी का आंसर है आर। ये जो कंपाउंड दिया है ये हमें प्रिपेयर नहीं होता है विलियमसन ईथर के सिंथेसिस से। ये बाकी ये ईथर है लेकिन विलियमसन ईथर सिंथेसिस वहां पर यूज नहीं किया है हमने। और दूसरा सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन अलाउड टू स्टैंड इन एक्वियस इथेनॉल। तो ऐसे कौन सा कंपाउंड है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन अलाउड टू स्टैंड इन एक्वियस इथेनॉल। अगर हम किसी एक कंपाउंड को एक्वियस इथेनॉल में रखते हैं तो आपको वो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन देता है, तो उसका आंसर है एस। उसके बाद है द ईथर That cleaves more rapidly in HI। जो ऐसा ईथर हमें ढूंढना है जो कि मोस्ट और मोर रैपिडली क्लीव होता है, टूट जाता है इन हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका आंसर है क्यू। ये जो ईथर है वो क्या हो जाएगा, इजीली और मोर क्लीव हो जाएगा इन HI। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज़ द PRSQ। तो PRSQ एंड क्यू। सो दिस इज द आंसर।